कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में किया गया। पहला वैक्सीन कोविडशील्ड टीका मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर अविलाश सूद को लगाया गया। टीकाकरण के बाद डॉक्टर अविलाश सूद को स्वास्थ्य कर्मियों ने बधाई भी दी और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। हमीरपुर जिला में तीनों स्थानों पर विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को प्रथम टीकाकरण के लिए चयनित किया गया है। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर ऋतु, सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी, एमएस डॉक्टर आर के अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। टीकाकरण अभियान के पहले चरण में जिला हमीरपुर में 260 फ्रंटलाइन वर्करों को टीके लगाए गए हैं, जबकि इसके बाद 22 जनवरी, 23, 28 और 30 जनवरी व 1 फरवरी को जिला के 38 चिन्हित केंद्रों पर टीकाकरण कार्य पूरा किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगने वाले 49 साल के डॉक्टर अविनाश सूद ने कहा कि टीके को लेकर मन में अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू किया है जो कि सभी के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से कोरोना बीमारी पर काबू पाने के लिए काम किया गया है और लोगों को यही कहना चाहता हूं कि लोगों को बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है और वैक्सीनेशन करने से बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा। मैं डॉक्टर अभिलाष सूद हाँ जी, मैं पहला बेनिफिशियरी हूँ जिसे मुझे यहाँ वैक्सीन दी जा रही है। तो मन में क्या चल रहा है, मिक्स सी फीलिंग्स है। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा ये भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने जो की है वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू, तो सारा ठीक ही होगा, अच्छा होगा, यही है। ऐसा जो ड्यूटी लगातार सबकी लग रही थी, तो हमारे सबके हेल्थ वर्कर्स के प्रयास से अब आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अब नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ बहुत कम हुए हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है, सबके एफर्ट से ये जो डिजीज़ हम इस पर काबू पा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत है तो ये अब वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन के बाद सब विल बी एबल टू कंट्रोल द डिजीज़। लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन है, सेफ है, हम लगवा रहे हैं, हेल्थ वर्कर सभी को लगवानी चाहिए और इससे फिर हम डिजीज के ऊपर काबू पा पाएंगे। वहीं इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमीरपुर जिला में कोविडशील्ड टीका 260 मेडिकल कर्मियों को लगाया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 100, सीएचसी बड़सर में 80 और नादौन में 80 कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 260 लोगों का टीकाकरण आज किया गया है, उन्हें अब 28 दिन के बाद ही कोविडशील्ड टीका ही लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में 5,238 लोगों को 4 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि ये एक साल की लंबी जर्नी जो हमने कोविड के काल में जी है, इसका आज सम हो कहीं ना कहीं हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम एक पॉज पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है, तो आज की डेट में अगर मैं बोलूं, इट इज़ वायरस वर्सेस वैक्सीन, कि वायरस का लोड सहना है या वैक्सीन लगवानी है। तो सबसे पहले तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, रादर मैं आम पब्लिक को भी ये बोलना चाहूँगी, मेरा ये सुझाव रहेगा कि चूज़ द वैक्सीन नॉट द वायरस। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम वैक्सीन को चूज़ करेंगे तभी हम आगे अपने आप को, अपने स्टेट को, अपने जिला को हम वैक्सीन वायरस फ्री कर पाएंगे। बाकी रही डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात, तो अभी तक जो हमारा स्टेटस चल रहा है, हमारे पास टोटल 2991 केसेज हैं और उनमें से हमारे पास 2835 केस हैं जो रिकवर हो चुके हैं। मैं यहाँ गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारे जिला का रिकवरी रेट बहुत अच्छा चल रहा है। वी आर समवेयर बिटवीन 95-96% इन रिकवरी रेट। और वैसे ही नो डाउट इस दौरान इसमें मैं बोलूँ तो डेथ्स भी हुई हैं। 49 डेथ्स हमारे जिला ने रिपोर्ट की है, बट उनमें अगर जब हमने एनालिसिस लिया उन डेथ्स का, तो उनमें काफ़ी सारी डेथ्स जो, तो 60-70% जो डेथ्स थी वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से भी थी, जिन लोगों को हाई एज ग्रुप के लोग थे या कोमॉर्बिडिटी थी। तो बट हमारा डेथ रेट भी 1.5 और 1.6 के बीच चल रहा है, तो दिस इज़ ए गुड इंडिकेटर फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्पेशली मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि इस कोविड कॉल के दौरान
मीडिया की हर लेवल से, हर चैनल से, हर पेपर ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है एंड वी कुड डू द बेस्ट, वी कुड पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज मीडिया एक सेकंड पिलर होता है हमारी इसमें लोकतंत्र में, तो मैं समझूंगी कि मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, इन लोगों का भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एंड हेल्थ ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स टुगेदर हैव वर्क्ड, दिन रात हमने मेहनत की है, काम किया है एंड दैट इज़ हाउ हम अपना रिकवरी रेट, डेथ रेट, हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके हैं बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इफेक्ट, बिकॉज द सब लोगों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से। तो ये एक हमारे जिला का एक बहुत अच्छा आंकड़ा भी है। और एज फार एज वायरस वैक्सीन इज कंसर्न, तो जैसा कि हमें आपको भी पता है तैयारियां चल रही हैं एंड हमारे पास फर्स्ट फेज में हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लिया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हमारे पास टोटल, हमने इसमें पब्लिक, प्राइवेट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयुष डॉक्टर्स, इन सबको इन्वॉल्व किया हुआ है बेसिकली फर्स्ट फेज में। तो हमारे पास टोटल अगर मैं बोलूँ तो 5,233 बेनिफिशरीज हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बनते हैं। और उनमें से आज हम जो हमें अभी वैक्सीन स्टॉक मिला है उसके हिसाब से हमने 3 साइट्स पर लॉन्च किया है। फर्स्ट इज एट मेडिकल कॉलेज, वहाँ हम 100 बेनिफिशरीज को आज टीकाकरण करने जा रहे हैं। सेकेंड विल बी सी एच नदौन, वहाँ हम 80 लोगों को वैक्सीनेट करने जा रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारा थर्ड है सी एच बड़सर, वहाँ भी हम 80 लोगों को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज वैक्सीन का जो टारगेट है वो आज का हमारा 260 बेनिफिशरीज है। आज का सेशन स्टार्ट होने के लिए हम सब बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सारी प्रेपरेशंस हो चुकी हैं हमारी वैक्सीन साइट्स। इवन मैंने खुद कल अपनी जहां हमारा सी एच बड़सर में होना था वहां मैंने खुद अपना दौरा किया और जो अरेंजमेंट्स की रिव्यू लिया, वैसे ही हमारे नदौन की जो दूसरी साइट है वहां हमारे हेल्थ ऑफिसर गए थे, वहां हमने सारा रिव्यू किया। मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे DIO हैं डॉक्टर रमेश रत्तू, हमारे साथ बैठे हैं। ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड इन दिस वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। हम साथ साथ हम बेनिफिशियरी लोड कर रहे हैं, साथ साथ हम टेक्निकल चीज़ें फेस कर रहे हैं, साथ साथ हमें ऑल द अरेंजमेंट्स वी हैव टू मेक। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीम, फर्स्ट माई हेडक्वार्टर की टीम, मेरे फील्ड ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, फील्ड लेवल के फ्रंट लाइन वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सब आंगनवाड़ी वर्कर्स, सब ने बहुत ही सहयोग किया है। इवन वैक्सीन लॉन्च के लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भी हमारी तैयारियां अप टू द मार्क हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी 10:30 बजे लॉन्च होने जा रहा है, जैसे ही उसके बाद इमीडिएटली हम वर्दी डिप्टी कमिश्नर महोदया से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे सेशन का विधिवत थोड़ा शुरुआत करेंगी। तो जैसे ही PM साहब का इनॉग्रल भाषण ख़त्म हो जाएगा उसके इमीडिएटली बाद हम उसको लॉन्च कर देंगे। 28 दिन के बाद लगेगी, 28 डेज के बाद इनका सेकेंड डोज का आ जाएगा और इनको वही वैक्सीन लगेगी जो आज दी जा रही है। ये हमने इस ढंग से इंश्योर किया हुआ है, हमारी प्लानिंग भी इस ढंग से है, क्योंकि इंडिया में दो तरह की वैक्सीन है। तो जिन लोगों को आज जो वैक्सीन दी जा रही है वही वैक्सीन नेक्स्ट फेज में उनको वही वैक्सीन मिलेगी। कोविशील्ड हमारे यहाँ हमारे स्टेट में कोविशील्ड लॉन्च हुई है, तो हमें कोविशील्ड ही दी गई है और हम कोविशील्ड के साथ ही आगे इन बेनिफिशरीज को सेकेंड फेज में भी कोविशील्ड के साथ ही कवर करेंगे। एक्चुअली डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोगों को चूज़ किया गया है, जैसे मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपिस्ट को चूज़ किया गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट को लगेगी। एक ब्लॉक हेडक्वार्टर में हमने CHO को चुना है और तीसरी जगह हमने आशा को चुना है। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमने चुना है और उनको उसी ढंग से हम शुरुआत करने जा रहे हैं।